मेरा जो NIT दुर्गापुर का वीडियो, उस पर बहुत कमेंट आया कि भैया NIT सिलचर का भी ऐसा ही वीडियो लाओ। तो जल्दी से आपको बता दो कि इस वीडियो में मैं क्या कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि NIT सिलचर में क्या कुछ प्लेसमेंट जा रहा है, क्या कुछ एकेडमिक फ़ी आ रहा है, क्या कुछ हॉस्टल में फ़ी लग रहा है, क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना फ़ी वेवर यहाँ पर आपको मिल सकता है, और साथ ही साथ बात करेंगे कि क्या कुछ कट ऑफ जा रहा है अलग अलग ब्रांच में, अलग अलग कैटेगरी में। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं NIT सिलचर के ओवरव्यू से। तो 1967 में कॉलेज स्टार्ट हुआ था, 38 इसकी करंट NRF रैंकिंग है, 265 यानी कि 625 एकड़ का इसका अर्बन कैंपस है। अगर मैं बात करूँ लोकेशन का, तो सिलचर आसाम में इसका कैंपस है, NITSB इसको बोलते हैं। प्लेसमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो एवरेज CTC यहाँ पे 12.64 लाख पर NM का जा रहा है। CSE की अगर मैं बात करूँ एवरेज CTC की, तो 16.46 लाख पर NM का जा रहा है, और हाईएस्ट CTC की अगर मैं बात करूँ तो 44 लाख पर NM का जा रहा है। अब बात करते हैं कि NIT सिलचर में क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगता है एडमिशन लेने के लिए, लेकिन उनको सबसे पहले एक ब्रीफ दे दूँ जिनको नहीं पता कि NIT में कैसे एडमिशन होता है। तो NIT में एडमिशन के लिए आपको ZMAIN का एग्जाम जो वो क्रैक करना पड़ेगा, उसी एग्जाम के स्कोर के बेसिस पर आपको जोसा के थ्रू काउंसलिंग कराना होता है, और उसी काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस अलाउट करे जाते हैं। लेकिन NITs का क्या है कि पहले से इसके क्लास 12th के जो है एलिजिबिलिटी फिक्स करी गई है। तो अगर मैं बात करूँ NIT सिलचर की क्लास 12th की एलिजिबिलिटी की, तो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो आपके क्लास 12th में फिजिक्स और मैथ एज कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने ही होने चाहिए। वहीं पर एक जो आपका केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, या कोई टेक्निकल वोकेशनल कोर्स आपने किया है, तो स्टिल आप एलिजिबल हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो आपको क्लास 12th में मिनिमम 75% मार्क्स लाने ही लाने हैं। वहीं पर अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए मिनिमम 65% मार्क्स क्लास 12th में होना मैंडेटरी है। और एक और बात कि आपने जिस भी बोर्ड से क्लास 12th का अपना एग्जाम दिया ना, अगर आप उस बोर्ड के टॉप 20% वाले स्टूडेंट्स में आ जाते हैं, तो फिर ये नहीं देखा जाएगा कि आपने क्लास 12th में कितना परसेंट मार्क्स वो सिक्योर करा, स्टिल आप एलिजिबल माने जाएंगे। अब बात करते हैं कि NIT सिलचर में क्या कुछ कट ऑफ जा रहा, और ये सबके सब जो सा लास्ट राउंड के कट ऑफ है अलग अलग कैटेगरी होम स्टेट और अदर स्टेट मेल और फीमेल दोनों में बताने वाला। तो अगर इससे ज़्यादा आपका रैंक आता है तो बेहतर है आप दूसरे NIT को टारगेट करो। तो सबसे पहले बात करते हैं CSE में क्या कुछ कट ऑफ जा रहा है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रांच है यहाँ पे। तो जनरल कैटेगरी होम स्टेट की बात करूँ तो 25,022 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है, और अदर स्टेट के लिए 10,898 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो होम स्टेट 31,041 रैंक तक कट ऑफ जाता है, और अदर स्टेट के लिए 15,217 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। अगर मैं OBC कैटेगरी के कट ऑफ की बात करूँ CSE में, तो मेल में होम स्टेट में आपका 14,298 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है, और अदर स्टेट के लिए 3,408 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। फीमेल की बात करूँ तो 18,752 रैंक तक होम स्टेट के लिए जा रहा है, और अदर स्टेट के लिए 6,556 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। और ये सारे आपको कट ऑफ जो है का PDF मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, ज्ञानरूप सर्च करो और चैनल ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या कुछ कट ऑफ जा रहा है। तो जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 51,080 रैंक तक मेल होम स्टेट में जा रहा है, और मेल अदर स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो 26,952 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। फीमेल की अगर मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी में होम स्टेट में, तो 71,388 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है, अदर स्टेट के लिए 39,180 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। नेक्स्ट है ECE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में क्या कुछ कट ऑफ जा रहा है। तो जनरल कैटेगरी में 33,116 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है, और अदर स्टेट में 17,923 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है मेल के लिए। वहीं पे फीमेल कैटेगरी जनरल में ही बात करें होम स्टेट के लिए, तो 45,140 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है, और अदर स्टेट के लिए 24,172 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। नेक्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जनरल में मेल होम स्टेट के लिए तो 59,377 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है, अदर स्टेट के लिए 34,990 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो 76,660 रैंक तक होम स्टेट के लिए कट ऑफ जा रहा है, और 45,036 रैंक तक जो अदर स्टेट के लिए कट ऑफ जा रहा है। अब बात करते हैं कि NIT सिलचर में क्या कुछ फी लगने वाला है। पहले अकेडमिक फी की बात कर लेते हैं, फिर हॉस्टल के अलग से बात करेंगे, और फिर फी वेवर के बारे में बात करेंगे। अगर अकेडमिक फी की बात करो तो कॉजन मनी जो वन टाइम लगता है रिफंडेबल होता है वो 5,000 रुपये का लगने वाला है। वन टाइम फी जो है 7,500 रुपये का आपका आने वाला है। ट्यूशन फी पर सेमेस्टर 62,500 रुपये का आने वाला है, और अदर फी पर सेमेस्टर जो 5,370 रुपये का आने वाला है, यानी कि टोटल एट द टाइम ऑफ एडमिशन 80,370 रुपी आपका एज अकेडमिक फी लगने वाला है। वहीं पर हॉस्टल फी की बात करूँ तो कॉजन मनी वन टाइम जो कि रिफंडेबल होता है तो वो 10,000 रुपये का आने वाला है। हॉस्टल चार्जेज पर सेमेस्टर जो है आपको 1,000 रुपये का लगने वाला है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज पर सेमेस्टर 1,000 रुपये का आने वाला है। मेस एडवांस आपको 18,000 रुपये का आने वाला है, और अदर फी पर सेमेस्टर जो 2,360 रुपये का आने वाला है, यानी कि हॉस्टल के लिए आपको 32,630 रुपये यानी कि 32,630 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन एक अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने अलग अलग कैटेगरी में वीकर सेक्शन स्टूडेंट्स के लिए जो फी वेवर का प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है। तो अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी से हैं तो आपको 100% फी वेव मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ ट्यूशन फी में मिलेगा, बाकी फी आपको देने हैं। वहीं पर अगर आप OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं,
और आपकी फैमिली इनकम सालाना 1 लाख से कम है तो आपको भी 100% ट्यूशन फी वेव ऑफ हो जाएगा। अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट तो हैं लेकिन आपकी फैमिली इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में है तो आपको 2/3 जो है ट्यूशन फी वेव ऑफ हो जाएगा। तो आपको बाकी के फी देने ही देने, ये बात आपको ध्यान रखना है।